हेलो एवरीवन, मैं हूँ तौसीफ और अभी जो गाड़ी है हमारे पास इसमें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दिखा दें आपको कि इसमें क्या क्या सेटिंग है और कैसे कैसे हम सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कभी भी अगर कोई कोड आ रहा है और उस कोड को मीटर नहीं छोड़ रहा है तो हम मीटर को कैसे रीस्टार्ट करेंगे। लैपटॉप में तो कोड इनएक्टिव बताएगा, तो अप प्लस डाउन को हम कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे। लैपटॉप पे तो इनएक्टिव बताएगा लेकिन मीटर पे एक्टिव, मीटर पे बत्ती नहीं जाएगा। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो वो बत्ती आसानी से चली जाएगी आपकी और जो फॉल्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों देख लीजिए, अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ाना है तो जो अप का बटन है उसको हम 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो एक लोगो आ जाएगा, ये ब्राइटनेस का लोगो, ठीक है। और जब हम फिर से हम आपको दिखा दें, 5 सेकंड प्रेस करेंगे तो एक ब्राइटनेस का लोगो आएगा। तो आप हम अप भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। फिर जब छोड़ देंगे तो ये उसी पर सेट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, अगर देखिए ये हुआ आपका अप प्लस मोड, इस दोनों को हम कुछ समय के लिए प्रेस करेंगे और प्रेस करके रखेंगे और फिर ये इस तरह का पल्स बाइक के एम आएगा और इस पर हम अप पे क्लिक करेंगे तो ये 40,000 पे सर्विस है। तो ये बता रहा है कि जो आपको सर्विस करानी है ये 40,000 पे करानी है। उसके बाद जब हम गाड़ी रीसेट करेंगे तो ये चली जाएगी। अगर आपको ट्रिप रीसेट करना है तो इसे 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, जो आपका सेट का बटन है इसे 5 सेकंड प्रेस करेंगे, ट्रिप रीसेट हो जाएगा। और अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि अभी इसका यूज़ नहीं है। अगर आपको टाइम सेट करना है तो आप देख लीजिए ये टाइम है हमारा, तो टाइम सेट करने के लिए आपको सिंपली सेट प्लस मोड वाले बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है और इसी तरह से आपका आवर्स वाला ब्लिंक करेगा। उसके बाद अब आप अप एंड डाउन जो भी टाइमर है उसको सेट करेंगे, उसके बाद हम मोड वाले को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जो मिनट है उसको हम सेट करेंगे और फिर मोड वाले को हम क्लिक करेंगे। मोड वाले पे क्लिक करने के बाद एएम है या पीएम है उसे सेट करेंगे और फिर हम सेट पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा टाइम है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इग्निशन ऑफ करेंगे और फिर हम कुछ सेकंड के लिए इग्निशन को ऑन करेंगे और फिर देख पा रहे हैं कि जो हमारा फॉल्ट है वो और जो हमारा टाइमिंग है वो सेट हो चुका है।